नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में शहीद गनर को लखनऊ पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह का परिवार भी मौजूद रहा। उनके अलावा ज्वाइंट कमिश्नर डीसीपी साउथ और डीसीपी वेस्ट भी मौजूद रहे। बता दें कि उमेश पाल पर जानलेवा हमले में घायल सिपाही राघवेंद्र ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हमले के दौरान उमेश पाल के साथ ही उनके गनर संदीप निषाद की एसआरएन अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं दूसरे सुरक्षाकर्मी राघवेंद्र को बेहतर इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल से लखनऊ के एसजीपीजीआई भेज दिया गया था। 5 मई को राघवेंद्र की शादी होने वाली थी। राघवेंद्र रायबरेली के लालगंज के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक राघवेंद्र के पिता भी पुलिस में थे। बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। राघवेंद्र को अपने पिता की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। यूपी सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद नकल माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला प्रयागराज के हंडिया तहसील के ठाकुर शिव प्रसाद सिंह स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज का है, जहां 1 मार्च को 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान उप जिलाधिकारी सार्थक अग्रवाल को सूचना मिली कि स्कूल की कॉपियां दूसरे स्कूल में लिखी जा रही हैं। उप जिलाधिकारी ने स्वराय मरेज पुलिस के साथ आरडीएम पब्लिक स्कूल जंघई में छापा मारा तो 2 कॉपियां लिखी हुई मिली, जबकि 5 कॉपियां सादी बरामद की गई। कॉपी लिख रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, साथ ही परीक्षा व्यवस्थापक से भी कार्यमुक्त करने के बाद पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर स्कूल की कॉपियां बाहर किसने पहुंचाई। बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी नेता जया प्रदा मथुरा के वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मथुरा के मंदिरों में दर्शन किए। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और अटल्ला चुंग स्थित श्री बालाजी देवस्थान में हनुमान जी के दर्शन किए और देश में अमन चैन और सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान जया प्रदा ने सबसे पहले ब्रजवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। 2024 में उनके मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जया प्रदा ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। वहीं आजम खां को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जया प्रदा ने कहा कि आजम खां का खेल खत्म हो चुका है और इसके लिए वे अदालत का धन्यवाद अदा करती हैं। कृष्ण नगरी में होली का जश्न शुरू हो चुका है। होली के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु दूर दूर से होली का जश्न मनाने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग होली मनाने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। नंदगांव में भी होली का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। नंदगांव में लोग हुरंगा खेलते नजर आए। टेसू के फूलों से तैयार किया गया प्राकृतिक रंग नंद भवन में मौजूद हर किसी के तन मन को अपने रंग में रंगता नजर आया। मान्यता है कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली के बाद बिना कोई उपहार दिए बरसाना से नंदगांव आ गए थे तो बरसाना में सभी गोपियों ने ये बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि फगवा यानी कि उपहार लेने के लिए नंदगांव जाना चाहिए। फिर दशमी को बरसाना के गोपियां फगवा मांगने नंद भवन पहुंचे। फगवा के बहाने एक बार फिर नंदगांव में होली धूमधाम के साथ मनाई गई थी। फाग महोत्सव की इस लीला को साकार करने के लिए बरसाना के बाद नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया जाता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जो इस होली के जश्न को अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से अबीर गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर चेहरा आपको यहाँ रंगों से सना हुआ नजर आएगा और होली की धूम मथुरा में किस तरह से देखने को मिलती है, इसका गवाह पूरी दुनिया हर बार बनती है और इस बार भी दुनिया भर से लोग इस पल का गवाह बनने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं।
रंगभरी एकादशी के मौके पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचे हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हो या फिर कोई दूसरा मंदिर, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। इंतजामों का जायजा लेने के लिए डीएम, एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास परिक्रमा मार्ग और यमुना घाटों का निरीक्षण करते भी नजर आए। एसएसपी ने बताया कि रंगभरी एकादशी के मौके पर वृंदावन को 6 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें बांके बिहारी मंदिर, परिक्रमा मार्ग, यमुना घाट समेत सभी मुख्य मार्गों पर एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। रंगभरनी एकादशी पे भारी संख्या में श्रद्धालु भी और पर्यटक भी वृंदावन क्षेत्र में आते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसको लेके प्रशासनिक पुलिस व्यवस्थाएं सभी चाक चौबंद रहें, इसको लेके आज फिर से दोबारा मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करा गया। उन गलियों में जाकर देखा गया जो उसका इस्तेमाल परिक्रमा के लिए किया जाना है, वहाँ पर साफ़ सफाई जहाँ पर दुरुस्त नहीं थी उसके निर्देश दिए गए। कुछ स्थानों पर इंटरलॉकिंग और नाली को कवर करने वाले पत्थर उखड़ गए थे, जिससे व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है, श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य स्थानों पे जो अवैध अतिक्रमण हैं उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मार्ग को किस तरीके से रूट्स में और सेक्टर में विभाजित करा जाएगा वहाँ मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी रहेगी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी, नगर निगम की टीमें रहेंगी जो हो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को गाइड भी कर सकें और उनकी कोई भी मदद हो उसके लिए भी वहाँ पे तत्पर रहें। 3 तारीख को रंगभरनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है और इसमें जो है इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से, जनपद के बाहर और देश के कोने कोने से आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और फिर मंदिरों का दर्शन करते हैं। इसको दृष्टिगत करते हुए जिलाधिकारी महोदय मेरे तथा अन्य सभी विभागों से जो अधिकारी कर्मचारियों की कई राउंड ऑफ बैठक हो चुकी है, उसके अलावा आज पुनः भ्रमण इसका रखा गया है, तैयारियों का जायजा लिया गया है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे परिक्रमा मार्ग में तथा इम्पॉर्टेंट जो भी मंदिर हैं जहाँ दर्शनार्थी जाते हैं उन सभी मंदिरों में हमारी ड्यूटी डिपार्टमेंट होगी। भारी संख्या में वाहन धार्मिक क्षेत्र में आते हैं उसको लेके पार्किंग की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, यात्रियों को परेशानी न हो। योगी सरकार का संदेश साफ है, संदेश ये कि यूपी में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजियाबाद में भी अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। साहिबाबाद थाना इलाके के शालीमार गार्डन में बनी अवैध बहुमंजिला इमारत को जीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। इस मौके पर जीडीए के आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अवैध निर्माण पर किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहां पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े और अगर कोई विरोध करता है कार्रवाई का तो वहां पर हालात को काबू में किया जा सके, इसलिए वहां पर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया और जीडीए की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। ये बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अनर्थित निर्माण किया गया है जिसमें ध्वस्तीकरण आदेश पारित है, इसलिए जो है इसको गिराया जा रहा है। सर लगभग कितना समय लगा होगा इस इमारत को तैयार होने में? लगभग 3 से 4 महीने जो है समय लगा है। इसमें प्रक्रिया ध्वस्तीकरण आदेश दिसंबर में हुआ था, उसके बाद जो है आ गिराया जा रहा है। सर जीडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हालांकि आरोप प्रत्यारोप के अगर हम बात करें तो कई आरोप भी लगते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे सर आप? हम ये कहेंगे कि अनर्थित निर्माणों के विरुद्ध जो है उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश में थोड़ी कार्रवाई की जाए, उसी आदेश के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। अनर्थित निर्माणों को हम लोग रोकथाम करेंगे और अगर किसी ने अनर्थित निर्माण कर दिया है तो प्राथमिकता पर गिराया जाएगा। गाजियाबाद में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल मानसरोवर पार्क में रहकर पेंट पुताई का काम करने वाले प्रेम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों की पिटाई की वजह से प्रेम प्रकाश की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मृतक प्रेम प्रकाश के बेटे से मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोस के दो पुलिसकर्मियों ने उनके पिता से काम करवाया था। उनके पिता को कुछ पैसे दिए गए, जबकि बाकी पैसे एक साल से रोक रखे थे, जिसकी शिकायत भी पीड़ित प्रेम प्रकाश ने की थी। आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके पिता के घर में घुसकर पिटाई कर दी थी। जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी को पुलिसकर्मियों ने प्रेम प्रकाश की पिटाई की थी। 18 फरवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हमारे घर के सामने ही लालपा मानसरोवर पार्क में सामने ही दो कॉन्स्टेबल रहते हैं, उनके घरों में मेरे पापा ने पेंट का काम किए थे। वही पापा को पैसे आधे पैसे मांगने मांगते एक साल लग गए, वो पूरे पैसे नहीं दिए। जब पैसे मांगने गए तो उन्होंने मारपीट की मेरे पापा के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने, मैं चौकी गया, चौकी से वापसी आया, फिर इन्होंने दोबारा उस नितिन, जिसका नाम है कॉन्स्टेबल है, और दूसरा प्रेमपाल, उन दोनों ने फिर घर में घुस के फिर दोबारा मारा। 5 तारीख को मेरे पापा आए थे पीट के, उन्होंने उससे पहले कई बार पैसे मांगे पर उन्होंने नहीं दिए, हमेशा धुतकार के भगा देते थे। तो पापा ने पीकर कहा कि वो लोग काम करवा लेते, पैसे नहीं देते, जैसे एक सीधी भाषा में गाली दी जाती है वैसे ही। वो लोग नहीं थे वहाँ पर, मोहल्ले वाले में उसकी वाइफ थी जो उसने उनको बताया, और वो लोग शाम को आकर पापा को घर में से निकाल कर मारा। और मारने के बाद भी भैया ने रिपोर्ट लिखवाई, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई, भैया नीचे जाए पापा थे, पापा ने रिपोर्ट लिखवाई, फिर उसके बाद जब घर आए तो फिर निकाल के मारा। कौन लोग थे मारने वाले? प्रेमचंद और नितिन। ये कौन है? जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो इनके पड़ोसी थे, इनके साथ इनका विवाद हुआ था, और उस विवाद को लेके इन्होंने एक तहरीर दिया है, उस तहरीर की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 जनवरी को ये पूरी घटना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तहरीर या मुकदमा कायम नहीं किया गया, आखिरकार इसकी क्या वजह थी? इनका जो भी इनकी तहरीर है उसको प्राप्त कर उस पर आवश्यक कार्रवाई। फर्रुखाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंक फ्रॉड कर लोन लेने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 6 फर्जी आधार कार्ड, 14 फर्जी एटीएम, 5 फर्जी पैन कार्ड और 3 फर्जी चेकबुक भी बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों से 1,40,000 रुपये नकदी भी बरामद की गई है। बता दें कि साथ ही आरोपियों के पास रेल मंत्रालय का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला है। सभी आरोपियों को फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के JNB रोड से गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद में एक छात्रा ने एग्जाम अच्छा ना होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इसे लेकर चर्चाएं भी खूब होती हैं। लेकिन सवाल ये कि परीक्षा के तनाव से बच्चों को मुक्ति कब मिलेगी। एक ऐसा ही मामला फिरोजाबाद के नगर थाना उत्तर के सत्यनगर मोहल्ले से सामने आ रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 15 साल की मधु हाई स्कूल की परीक्षा दे रही थी। छात्रा के पिता ने बताया कि जब पेपर खत्म होने के बाद उनकी बेटी घर लौटी तो उसने अंदर से कमरा बंद कर दिया था। जब मां ने जंगले से देखा तो छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है, और इस सवाल पर चर्चा भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि आखिर बच्चों को तनाव से मुक्त कैसे किया जाए। हाँ, परीक्षा के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन वो तनाव मानसिक तनाव में ना बदले, इसके लिए कहीं ना कहीं अभिभावकों की जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। और उम्मीद करेंगे कि अभिभावक अपने बच्चों को इस तरह के मानसिक अवसाद से दूर करने के लिए कदम उठाते हुए भी नजर आएंगे। मैं आया हूँ, मैं तो काम पे था, मम्मी ने पूछा है लली जब पेपर दे के आई है तो के का बात है लली, तू अनमनसी कैसी है, ना तो खाना खा रही तू, पेपर गलत हुआ है तेरा। तो लड़की ने कोई हाना का जवाब नहीं दिया। उस होने के बाद में मम्मी अपने काम में लग गई जी। काम में लग गई, उसके बाद में 5 बजे आया चुंगी का पानी। चुंगी के पानी आने के बाद तो मम्मी ने आवाज़ दी है, मधु मधु पानी भर ले जी, पानी आ रहा है। तो लड़की नहीं निकल के आई कमरे से, तो मम्मी ने किवाड़ खटखटाए तो किवाड़ नहीं खुले। उस होने के बाद में जंगले से झांक के देखा तो लड़की।
फर्रुखाबाद में एक महिला का फांसी के फंदे से लटका शव मिला है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला नवाबगंज थाना इलाके के पुराना गनीपुर का है। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले लगातार 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। महिला के ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना हुई साहब, हमारे 3 साल से बीच परेशान किए थे। दहेज पर हम 5 लाख रुपए लगे, तेल या सामान लिया, वो सामान लिया, इतनी तथा नहीं थी हमको देने, आज उसको मार डाला, फांसी लगा। तो आपकी कौन थी? हमारी मेरी थी। आप कहाँ के निवासी हैं? हरदोई डिस्ट्रिक्ट थाना मल्ला ग्राम पोकट। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।